हेलो वाट्स आई होप आपसे बढ़िया हो गया नाम सभी नमस्ते सो वीडियो शुरुआत करते हैं शुरुआत करने से पहले इफ़ यू एन क्वेश्चन रिगारिंग एनीथिंग कुछ चीजें आप मुझसे मिस हो गई हो या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना एंड इफ यू मीनी सेक्शन वन टू वन यू कैन डी एम यू इंस्टाग्राम एक चीज़ आपको कहना चाहूंगा इफ यू वॉन्ट अ सेशन मेरे को डी एम करना यू हैव पे अ नॉमिनल फीस आई यू हैव टू पे इंडियन रुपीज़ और यू हैव टू पे अनेडियन डॉलर जो भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा तो शुरुआत करते वीडियो की और मैंने कॉमेडी पोस्ट पर पोस्ट कर दी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू कैनेडा तो आप मुझे पूछ सकते हो तो मैं सारे क्वेश्चन वहीं से लूँगा और दो तीन क्वेश्चन मेरे अपने तरफ से भी हैं जो लोगों के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं कि हमें ये करना है प्रोविंस के रिगार्डिंग ऑफिस के रिगार्डिंग आफ्टर ट्वेल्थ के रिगार्डिंग ग्रेजुएशन रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग प्रोविंस के रिगार्डिंग की ऑन ब्रिटिश ब्रिश कुल्बे में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए एटेस्टेशन लेटर के रिगार्डिंग मेन फोकस यही होगा सब घुमा फिरा के आपको जल्दी इजी पी आर कैसे मिलेगा सो मेन फोकस वही होगा सो वीडियो को मैं बिना कट करे सीधा बात करता हूँ और मैं पहले सारे क्वेश्चन लेता हूँ एंड यू वि अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ कि आपको आंसर आराम से मिल जाएगा और बाय चांस इफ़ यू हैव एन क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी थिंग हाँ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक इट्स बाय नील पटेल करंटली परसुइंग माई वन ईयर ई वन ईयर पी जी डिप्लोमा कोर्स इन ऑनटेरियो एंड वैन टू टेक अ सेकेंड ईयर कोर्स इनदर प्रोविंस सो विच प्रोविंस इज बेस्ट टू गेट अ पी आर तो क्या आपने वन ईयर की स्टडी करी ऑनटेरियो में ऑब्वियसली वन ईयर का ही वर्क परमिट मिलेगा ठीक है बट आप चाहते हो कि सेकंड ईयर कोर्स लेना है मीन्स वन प्लस वन करना है जिससे आपको थ्री इयर्स का वर्क परमिट मिल जाए अभी मेरे अकॉर्डिंग लाइक like आज मार्च 2024 है तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट तीन प्रोविंस है नोवा कोशिया न्यू ब्रंसविक एंड सस्कैश वन अलबर्टा को मैं इसमें इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अलबर्टा में बहुत सारी इमिग्रेंट्स है सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस से अपनी होम कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा पे एलम आई पे टूर्ट वीज़ा पे विस्ट वीज़ा पे वर्क परमिट पे स्पाउट वीजा पे सारे अलबोटा मूव हो रहे हैं सो गेटिंग अ पीयर इन अलबोटा इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल अगर आप बहुत हाईली स्किल्ड लेबर हो या इंडस्ट्री में वर्क करते हो आप एग्रीकल्चर मीट इंडस्ट्री में या प्लंबर मैकेनिक स्किल बेस्ड में वर्क करते होयल इंडस्ट्री में वर्क करते आई फील्ड में वर्क करते हो तब तब आप अलबोटा मूव हो अगर आप रिटेल की जॉब करो वॉल में कैश की फूड काउंटर अटेंडेंट की देन आई वुड से नो सो तीन प्रोविंस है इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अनदर वन ईयर कोर्स सो स्कै वन नोस कोच एंड न्यू ब्रांस तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो हर्ष उपाध्याय है तो उन्होंने मुझे बोला है कि मैं अभी जो स्क्रीन पे शो रहा कि उनकी स्टडी खत्म होगी तो उसके बाद वो कैनडा आना चाहते हैं और आई की फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड है डेवलपर की फील्ड है तो उन्होंने मुझे कुछ प्रोविंस शॉर्ट किया है अलबर्टा नोस कोच स्कैश में मैट तो उनके माइंड में ये है कि कौन सा प्रोविस सबसे बेटर है इन टर्म्स ऑफ पी अगर वहाँ पर वो मास्टर डिग्री करते हैं इन कंप्यूटर साइंस में और उनको इस एजुकेशन में इस स्टडी में कॉप भी इन प्रोविंस के अंदर सो so, देखो अगर आपने चार प्रोविंस चूज किया बर्टा नोवस क्वेश्चन में मेड होगा फर्स्ट मैं आपको कहूँगा नोवस क्वेश्चन बिकॉज इट कम्स अंडर द अटलांटिक प्रोविंस इसका रीजन ये है कि अगर आप अटलांटिक प्रोविंस में टू ईयर की भी स्टडी करते हो या वन ईयर की भी स्टडी करते हो मास्टर्स करते हो तो यू विल गेट अ थ्री ईयर वर्क परमिट एंड अगर आप टू ईयर की स्टडी करते हो इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस यू आर एलिजिबल फॉर द पी एन बैट मीस प्रोविशल नॉमिशल प्रोग्राम आप सीधा फाइल लगा सकते हो सो इट्स वेरी इजी टू गेट अ पी आर इन नोवस क्वेश्चन इन अटलांटिक प्रोविंस चार प्रोविंस आते हैं उसमें किसी में भी अगर इफ़ यू हैव टू चीज लाइक इफ़ यू हैव टू चेक लाइक फर्स्ट कौन सेकंड कौन थर्ड कौन और फोर्थ कौन सो नो वो फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे स थर्ड नंबर पे अल्बर्टा एंड फोर्थ नंबर पे मैनीटोबा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आज़ाद कमल का तो उन्होंने मुझे पूछा है कि योर मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड कीव आप द गेट वक्त सो मेरी मंथली जो कॉस्ट है उन्होंने बताता हूँ मेरा जो रेंट जाता है जहाँ पे अभी मैं रहता हूँ मेरा रेंट जाता है फाइव और मैं पूरा अकेला लिए जाता हूँ इट्स अ टल बिट फार फ्राम द सिटी राइट नाउ आई एम लिविंग समवेर एल्स बिकॉज ऑफ वर्क इट लिट बिट फार फ्रॉम द सिटी तो मेरा फाइव हंड्रेड रेंट है ग्रॉसरीज थोड़ी सी बहुत एक्सपेंसिव मिलती है वहाँ पर तो so, कर करा के मेरा आराम से पौने चार सौ तो मतलब तो तीन सौ अस्सी डॉलर मेरा ग्रॉसरीज में जाता है बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सौ डॉलर मैक्सिमम से मैक्सिमम कभी मैंने गाड़ी बेचती है गाड़ी में कुछ भी नहीं है तो so, मेरा खर्चा जो आता है 500 प्लस तीन सौ अस्सी आठ सौ अस्सी और 100 डॉलर नौ सौ अस्सी बाकी यूटिलिटी सब कुछ वाई फाई बिजली बिल सब कुछ इंक्लूडेड है बाकी 100 डॉलर अलग से जो मेरे नेट का बिल है वो बिल है तो मतलब हजार डॉलर तक आ जाता है मंथली दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट इंक्लूडिंग बाहर घूमना फिरना सब कुछ मिला के हज़ार डॉलर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेहान का आई हैव कंप्लीट माई बी कॉम डिग्री एंड आई एम प्लान टू जनवरी दो हज़ार पच्चीस इंटे के में आना चाहता हूँ तो मेरे को चूज करना है अल्बर्टा और माइडा प्रोविंस में सो कैन यू सजेस्ट मी मेरे को अगर मास्टर डिग्री के लिए जाना है पी जी डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए जाना है तो विच आई हैव टू तो चूज देखो तो, किस चीज़ की डिमांड है कैनडा में सी अगर आप इफ़ कम 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 तो तो यू कमिंग आफ्टर इफ यू कमिंग आफ्टर बी कॉम डिग्री दट मीनस इफ यू कमिंग आफ्टर ग्रेजुएशन तो आई वुड सजेस्ट यू डिप्लोमा सर्टिफिकेट को अवॉइड करो इफ यू दिव आर एबल एंड इफ यू वॉन्ट डू य मास्टर डिग्री मास्टर डिग्री आप वन ईयर की करते हो टू ईयर की करते हो आपको थ्री ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एट अ टाइम ऑफ पीयर और इसकी ज़्यादा वैल्यू है एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है चाहे डिप्लोमा टू ईयर करो सर्टिफिकेट टू ईयर करो वन प्लस वन करो उसकी कोई वैल्यू नहीं है चाहे इंडिया में वैल्यू भी नहीं है ना ही कैनाडा में वैल्यू है तो करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री करो बट इफ़ यू हैव टू चूज़ वन कि मुझे अलबर्टा मैं में किसी एक को चूज़ करना है तो आई वुड से करंटली चूज़ अलबर्टा उसकी रीजनस है देखो अलबर्टा में जॉब्स हैं लेकिन येस डट्स ट्रू इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है लेकिन अलबर्टा सबसे तो अच्छा तो प्लस तो पॉइंट ये है कि वहाँ का जो पी का प्रोसेस है ना वो बहुत स्ट्रॉग है और बहुत जल्दी होता है प्रोसेस बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू मैनडोबा एम पी एन पी मैनडोबा प्रोमेंशन होमेशन प्रोग्राम लास्ट टू ईयर से निकला ही नहीं है तो जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा पे एल एम आई पे डिफरेंट प्रोवेंसियल मैनडोबा गए थे उनको वो एलिजिबल तो हो गए हैं लेकिन ड्रॉ निकल नहीं रहा एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट मिल नहीं रहे और ड्रॉ निकल नहीं रहा पी एन पी का तो वो अटके हुए हैं तो इस हिसाब से आई वुड सजेस्ट यू गो टू अल्बर्टा एज कम्पेयर टू मैडोबा सो समन आज उनका नाम है स्प्रेड पॉजिटिव स्प्रेड पॉजिटिविटी वो वट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन फोर्ट मैकमूरे इफ वी वॉन्ट टू लाइव इन अ प्राइवेट रूम सो इट डिपेंड डिपेंड ओनर टू ओनर लोकेशन टू लोकेशन ऑब्बियसली बात अगर फोर्ट मैकमू जा रहे हो तो आप कियाना कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो डर किसी भी कोर्स में ले रहे हो लेकिन आपने कियाना कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या अगर आप वहाँ से वर्क के लिए जा रहे हो मतलब रूरल स्ट्रीम के लिए जा रहे हो और बार्टर प्रोविंस के अंदर आता है तो मेरे हिसाब से आपको ये पड़ेगा अगर प्राइवेट रूम भी लेते हो तो कुछ साढ़े पाँच सौ छः सौ डॉलर मैक्सिमम से मैक्सिमम पड़ेगा इंक्लूडिंग यूटिलिटीज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता अगर यूटिलिटीज़ है साढ़े पाँच छः सौ में देट गुड अगर नहीं है देन यू हैव टू पे हंड्रेड डॉलर एक्स्ट्रा अगर आप फोर्ट मैकमर में जा रहे हो एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जयशंकर मान सिंह का उन्होंने पूछा है कि गिव मी सजेशन बिटवीन बू वैली कॉलेज एंड कियानो कॉलेज जो फोर्ट मैकमो में है तो बो वैली कॉलेज का जो का कैंपस कैलगरी साइड वाला आप जा रहे हो तो मेरे हिसाब से यू हैव टू चूज कैलगरी वन तो इसके कई रीजन्स हैं गेटिंग अ जॉब इज इजी इन कैलगरी यस डट्स ट्रू कि बहुत सारी मुश्किल थोड़ा बहुत बट फोर्ट मैकमूर से एज कम्पेयर टू फोर्ट मैकमोरे बेटर है लाइफ स्टाइल ज़्यादा बेटर है अपॉर्चुनिटी बेटर ज्यादा बेटर है आप ज़्यादा रेफरेंस आए कॉन्टैक्ट बन पाएँ आपकी लाइफ थोड़ी ईजी रहेगी एज कम्पेयर टू फोर्ट मैकमोरे सो इफ यू हैव टू चूज वन दैन आई वुड टू चूज बो वैली कॉलेज एज कंपेयर टू फोर्ट मैकमोरे सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनर्जी मैनेजमेंट कोर्स लेना है फ्राम नॉर्थ कोस्ट कॉलेज जो अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर ये आता है आफ्टर ट्वेल्थ उसका क्या स्कोप है सी एनर्जी मैनेजमेंट लेते हो ऑयल एंड गैस में लेते हो तो अल्बर्टा में से काफ़ी डिमांड है बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है नॉर्थ वेस्ट कॉलेज ठीक ठाक है एवरेज है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है कॉलेज है बट इतना वो नहीं है प्राइवेट नहीं तो अच्छी बात है सबसे बड़ा इशू यह कि आप ट्वेल्थ के बाद आ रहे हो सो इफ यू आर कमिंग आफ्टर ट्वेल्थ आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास स्किल्स नहीं होंगे आप फाइनल डिसीजन नहीं ले पाओगे अपने लिए आपके लिए सब कुछ लेना अडॉप्ट करना चीज़ों को इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जो आपके पहले डिसीजन है हर एक चीज़ के रेगार्डिंग चाहे पर्सनली हो फाइनेंस रिलेटेड हो वहाँ की फैमिली लेती थी पेरेंट्स लेते थे आपके एंडल्स लेते थे अगर आप लेते हो तो अच्छी बात है फ्यू वेल्स लाइक like, स्टेबल हो आप माइंडली स्ट्रांग हो आप मेंटली स्ट्रांग हो देन इट्स गुड बट स्टिल गेटिंग अ पी आर इन अल्बर्टा आफ्टर ट्वेल्थ इट वुड बी वेरी हार्ड मेरे हिसाब से कोर्स अच्छा है आफ्टर ट्वेल्थ के बाद आ रहे हो वो इशू है और आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो मैं सबसे वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू डैट मगर ट्वेल्थ क्लास आना चाहते ही आना चाहते हो तो आई वुड से कोर्स ठीक है लेकिन ऐसे एम्प्लॉय के पास वर्क करना जो आपको एल का डॉक्यूमेंट दे सके आपको जॉब अप्रूवल लेटर दे सके और आपके पास आपका अच्छा स्कोर बनता हो आई लाइक जर्नल पे सेल्फे पे, पे अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हो देन इट्स प्लस पॉइंट फॉर यू ये आप हर चीज़ आपको हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ पी आर ये मैं पी आर करना चाह रहा हूँ अदरवाइज वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट अ पी इन अलबर्ट आउ ऑल्सो

अंटैरियो में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अनलिस बहुत हाईली स्किल्ड हो मेडिकल फील्ड में कंस्ट्रक्शन फील्ड में एग्रीकल्चर फील्ड में या कुछ ऐसा हट के आप काम करते हो स्किल बेस में वर्क करते हो कि कैनाडा की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्यूबैक में ऑन्टेरियो में बुडेष्लम में प्रोविंस में रहती हैं ऑन्टेरियो में जितनी भी सिटीज़ हैं सारी वेल डेवलप्ड कनेक्टिविटी सिटी बहुत कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है बल्कि यहाँ पर राइट सिस्टम होता है लेकिन हम में आ रहे हो सेंट डर कॉलेज में आ रहे हो तो पी आर मुश्किल है फ यूर कमिंग आफ्टर ग्रेजुएशन ऑलो या ट्वेल्थ के बाद आ रहे हो ट्वेल्थ की बहुत तो मुश्किल है ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तब भी बहुत मुश्किल है पॉसिबिलिटी वही है जो मैंने ट्वेल्थ के बाद कहा था एल एम ए मिल जाता है जॉब अप्रोगलेटर मिल जाता है आप हाईली स्किल्ड हो आप कौन सा कोर्स चूज करते हो मास्टर डिग्री लेते हो तो अलग सब पॉइंट्स मिलते हैं इफ़ यू नो फ्रेंच आपने टेस्ट डिवालूशन फ्रांस का एग्जाम दे सकते हो या दे पाओगे आपको फ्रेंच आती है तो चांसेस है हम डायरी में अदरवाइज नहीं है सब का कोलेक्टिविटी कह रहे हो अगर सब कर सकते हो तो ठीक है अदरवाइज नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बलविंदर सिंह जी का डिप्लोमा इन फाइनेंस द की कोई स्कोप है आफ्टर ट्वेल्थ देखो नहीं है डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं होती सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होती अगर आप ट्वेल्थ के बाद आई रही हो तो ग्रेजुएशन लो डेट वुड बी मच बेटर एज कंपेयर टू डिप्लोमा सर्टिफिकेट सी एवरीबडी नो वाई यू कमिंग टू डिप्लोमा सर्टिफिकेट इट्स वन ऑफ द टू कम इटनाडा कैनेडा कि फोकस हमारा रहेगा काम पे मीन्स पैसे कमाने पर हम डिप्लोमा सर्टिफिकेट ईजी सिंपल सा कोर्स होता है तो ज़्यादा लोड लेने की टेंशन नहीं होगी ज्यादा हार्डवर्क करने का सीन नहीं होगा सो बट पी में दिक्कत आएगी ट्वेल्थ के बाद किसी भी कोर्स में लो ट्वेल्थ के बाद पी में दिक्कत आएगी अगर ट्वेल्थ के बाद आ रहे हो ना तो आप से कि स्किल्ड कोर्स लो प्लम्बर वाला मैकेनिक वाला कार्पेंट्री से रिलेटेड या कोई डिजाइनिंग से रिलेटेड स्किल्ड वाले वर्कर लो इ, इन पे पर इनमें वन ईयर का टू ईर्स का भी लो ना टू ईर्स का लो तो आपके चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है लाइसेंस आपको मिल जाएगा कुछ छः सौ पॉइंट्स वैसे ही मिल जाएंगे एंड वन सो गेट सिक्स हंड्रेड पॉइंट तो समझ समझा पी आर तो पक्का पक्का है और उसमें फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ईजी होते हैं एक क्वेश्चन है कि बहुत में होता है कि एलम आई के रिगार्डिंग हमें कौन सा प्रोविंस को चूज़ करना चाहिए देखो मेरे हिसाब से एलम आई के रिगार्डिंग राइट नाउ आज मार्च का फर्स्ट वीक है दो हज़ार है पहले बात बता दो एल आई ट्वेंटी एट फरवरी दो हज़ार पच्चीस तक वैलिड है एक्सटेंड उसके बाद होगा या नहीं होगा डिपेंडिंग ऑनडिंग गवर्नमेंट डिपेंडिंग आई आर सी सी बट इफ़ यू हैव टू चूज़ कि मुझे कौन से प्रोविंस को जाना चाहिए जहाँ पे पी आर के ट्रॉनिकल थे हो सबसे ईजी ईजी है तो मेरे हिसाब से अगर आप हाईली स्किल्ड हो हाईली स्किल्ड नहीं भी हो तो चूज़ अल्बर्टा बिकॉज वंस यू गैट द अल्बर्टा वंस यू गैट द एल एम आई जॉ फॉर डे वर्क यू विल वर्क अगर आपने एल एम आई के पैसे देते हो एल एम आई फ्री में नहीं मिलता यू हैव टू पे बट्स इलीगल इट्स इलीगल आपको पे नहीं करना होता बट दिस जैसे रियलिटी की फिर में कुछ नहीं मिलता फ्री में सिर्फ ज्ञान मिलता है इंस्टा पे यूट्यूब पे बट अल्बर्टा इज द राइट प्रोविंस क्योंकि अल्बर्टा का प्रोसेस पीआर का थोड़ा फास्ट एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंस लेकिन अभी कहते है कि अल्बर्टा में एक स्टीम बंद हो गई है अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम अल्बर्टा में अल्बर्टा एडवांटेज एमिशन पायलट प्रोग्राम के अंदर सात स्ट्रीम्स आती है उनमें से एक स्ट्रीम होती है अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम वो बंद हुई है फिफ्टीन फरवरी 2024 को और उससे पहले एक स्ट्रीम निकली थी थर्टीन फरवरी 2024 को टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की तो इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है और टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी में ये था कि आपको सिक्स मंथ्स का वर्क करना है कोई ऐसे एम्प्लॉय के पास जिसका जब जो जेनअल एम्प्लॉयर हो आपको जॉब अप्रो लेटर दे आपको छः महीने वर्क करना है थर्टी आवर्स पर वीक वर्क करना है एंड उसके बाद आप फाइल लगा सकते हो मीनस आपकी और तभी वो कर पाओगे जब आपके पास वैसी क्वालिफिकेशन होगी और वैसा एक साथ का एक्सपीरियंस होगा पास के अंदर तभी आप टूरिज्म हॉस्पिटलिटी में काम कर पाओगे बट जो मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ कि विच प्रोविंस यू हैव टू चूज सी राइट नाउ चूज थ्री प्रोविंस सस्कैश वन अलबर्टा एंड नोवस्कोशिया एंड इफ़ यू हैव टू चूज नंबर वन फर्स्ट सेकेंड हर्ड में कौन आ चाहिए तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से फर्स्ट में नोवा नोवस्कोशिया सेकेंड में अलबर्टा एंड थर्ड में सस्कैश वन और अब आपके बारे में क्वेश्चन होता है कि में एक हार्ड फिल कैटेगरी थी जो जो ग्यारह जनवरी दो को बंद हो गई है तो क्या मैं सब्सक्रिप्शन आना चाहिए ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें आपको सिर्फ एलिजिबल होना होता है एलिजिबल होना होता है ऐसे फूड काउंटर अटेंडेंट जिसकी एन कोड है सिक्स फाइव टू जीरो वन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टू हाइ सिक्स फाइव टू जीरो वन एन कोड उसमें आप छः महीने वर्क करते हो डेट मीन थर्टी आवर्स पर वीक सात घंटे काम करते हो आप एलिजिबल हो जाते हो ऐसा ही बिकॉज उसमें ड्रॉ निकले ना निकले फ़र्क नहीं पड़ता आप फाइन लगा दो विद इन फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर यू विल गेट अ आई टी ए इन्विटेशन टू अप्लाई एंड वंस यू गेट अ आई टी ए नाइनटी फाइव परसेंट आपका काम वहीं पर डन हो गया मीस पी आर के रिगार्डिंग वही आई टी ए आपको वही जो आपको इन्विटेशन लेटर है आपको फेडरल लेवल पर देना है कैनेडा की गवर्नमेंट जो कैनाडाडा में दो तरह की गवर्नमेंट होती है एक होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वैसे कैनेडा में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट होती है वंस यू गेट द आई टी ए आपको वो आई टी ए कल इन्विटेशन लेटर फेडरल लेवल पर देना है और उसमें पी आर मिलने में आपको अभी पी आर कार्ड मिलने में आपको अभी आठ से एक साल लग रहा है एट टू वन ईयर सो डैट इजी मीन्स वंस व आई टी एंड डैट मीन्स नाइन्टी फाइव परसेंट काम डन हो चुका है पी आर के रिगार्डिंग अब जब आपको फेडरल पर देना है आपको वेट करना है कि मुझे पी आर कार्ड मिल जाए तो पी आर कार्ड मिल जाएगा तो उसके बाद आपकी क्लैब हो जाएगी और चल हो जाएगी सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन जो आप मुझे पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो बट आई वुड सजेस्ट यू इफ यू वॉन्ट के बहुत सारे क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली टी का सेशन इट वुड बी मच बेटर यू हैव टू पे ट्वेंटी कैंडियन डॉलर्स और फाइव हंड्रेड आई एन आर मीन्स फाइव हंड्रेड इंडियन रुपीज़ सो वीडियो में ये पेंड करता हूँ और आप कोई एक दो क्वेश्चन हो तो मुझे वो मैंशन कर देना कमेंट पर विल डेफिनेट रिप्लाई हो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना इफ़ यू लाइक दिस वीडियो नहीं पसंद आती है कोई बात नहीं तब तक के लिए गुड बाय हैव अ ग्रेट डे